इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्रासमेर में और ये एक छोटा सा गांव है और इसकी वजह शोहरत जो है वो है डैफोडिल्स के बानी विलियम वर्ड्सवर्थ। वो इस इलाके में रहे, यहाँ उन्होंने ज़िंदगी गुजारी और इसी के जो लोकल कब्रिस्तान है वहाँ पे वो दफन हुए। ये है जो 1850 इस पे लिखा हुआ है, ये टूमस्टोन है विलियम वर्ड्सवर्थ का। और ये बाकी जो आप जंगले के अंदर देख रहे हैं कब्रें, ये सारे उनके ख़ानदान की हैं, बाकी अफराद की। ग्रासमेर में विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी, आखिर अयाम तक यहीं पर वो दफन भी हुए, उनकी पूरी फैमिली ख़ानदान भी यहीं पर है। इस गांव को विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक टैगलाइन दी थी ग्रासमेर की, और वो थी द फेयरेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। इंटरेस्टिंग। जैसे कि मैंने बताया कि ग्रासमेर विलियम वर्ड्सवर्थ की वजह से बहुत मशहूर है, इसकी वजह शहरत एक और भी है, वो है सारा नेल्सन। उसकी कहानी कुछ इस तरह से है कि वो एक गरीब खातून थी, उनको एक नौकरी मिली किसी घर में खानसामा की, होते होते वक्त के साथ साथ तरक्की करती गई और वो हेड शेफ बन गई। उस लॉर्ड के घर में एक तकरीब हुई थी जहाँ पे एक फ्रेंच कुक भी आया हुआ था, और उसने जब उनको देखा, उनका खाना, उनकी मेहनत, तो उसने उनको कहा कि आप बेकिंग में क्योंकि बहुत अच्छी हैं, आप क्यों ना अपनी केक और जो बेक करके चीज़ें, इसका एक छोटा सा स्टॉल लगाएं और बेचें। उसको ये बात बहुत पसंद आई, तो सारा नेल्सन ने छोटा सा स्टॉल इस ग्रासमेर में लगाया। क्योंकि वो बहुत अच्छी बेकर थी, तो लोग आते गए दूर दराज से और उसका पसंद करते गए। ये बात है तकरीबन 18वीं सदी की। होते होते उन्होंने एक दफ़ा जिंजर ब्रेड बनाया। अच्छा, ये जिंजर ब्रेड दूसरी जिंजर ब्रेड से काफ़ी अलग थी क्योंकि इसमें आधा हिस्सा सख्त था बिस्किट की तरह, आधा हिस्सा ब्रेड की तरह नरम था, चबाने के काबिल। और वो जैसे इनका एक पैटर्न टाइप हो गया, इनकी वजह शोहरत बन गई यहाँ पर। और कहते हैं कि ना सिर्फ ये बल्कि बरतानिया बल्कि दूर दराज यूरोप से लोग सिर्फ उनकी जिंजर ब्रेड खाने के लिए आने लगे। और उन्होंने जैसे बड़ी कंपनीज करती हैं उस दौर में रेसिपी छुपाई और वकला के ज़रिए कहा कि इसको कोई नहीं देखेगा, और ऐसा ही हुआ। फिर आखिर में 85-86 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया और किसी को नहीं मालूम उस रेसिपी का क्या हुआ। वक्त गुज़रा, तकरीबन कोई 120 से 130 साल के बाद उनके डिसेंडेंट्स, पड़पोते और पड़नवासे जैसे कह लें, उनको वो रेसिपी मिली और उन्होंने फिर जो सारा नेल्सन की छोटी सी दुकान थी उसको उसी तरह से खोला और वही रेसिपी उन्होंने बना के बेचना शुरू किया। आज भी वो दुकान है और कहते हैं बहुत रश होता है उस दुकान में। और इस दुकान की खासियत ये कि फैक्ट्री में मतलब इनका कुछ भी नहीं बनता, जिंजर ब्रेड वगैरह, जैसे कि बॉम्बे बेकरी हैदराबाद में कि मतलब रोज़ के रोज़ बनता और बिकता है। सेम हेयर कि वो आज बेक करते हैं ताकि कल बेच सकें, और जिंजर ब्रेड की खरीदारी के लिए बहुत लंबी लाइन होती है। तो हम अभी उस तरफ भी जा रहे हैं। ये जो उनकी शॉप है, दुकान है, ये बिल्कुल जो कब्रिस्तान है उसके साथ ही है। और एक स्ट्रेंज बात जो उन्होंने कही थी, उन्होंने कहा था कि जी वो चाहती हैं कि जब वो मरें तो वो अपनी दुकान पे तब भी नज़र रख सकें, तो उनको उनकी दुकान से तकरीबन 25 फुट दूर दफनाया गया है। और वो भी वहीं, इनकी जहाँ जिस कब्रिस्तान में विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वहीं पर सारा नेल्सन की भी दुकान। मैंने बताया कि सारा नेल्सन की शॉप उसी कब्रिस्तान के साथ वाक़ है जहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। तो मैं पहुँच चुका हूँ उस जगह पे। ये देखें, ये रास्ता जा रहा है विलियम वर्ड्सवर्थ की ग्रेव को, और ये है सारा नेल्सन की शॉप। ग्रासमेर के बारे में एक और बात जो आपको बताता चलूँ कि विक्टोरियन एरा या उससे भी पुराना ये गांव है, और यहाँ के जो घर बने हुए हैं ना, वो बने हुए हैं स्लेट से, क्योंकि उस वक्त यहाँ पे स्लेट्स की माइन थी इसके अतराफ़ में, तो वहाँ से स्लेट निकलता था जो कि यहाँ पे घरों में इस्तेमाल होता था। और यहाँ के घर जो हैं वो पुराने घर हैं, वो स्लेट के बने हुए हैं, जो विक्टोरियन एरा या उससे भी पुराने जो घर हैं। मेरे पीछे जो आप ये काले रंग का एक देख रहे हैं ना मेंढा, ये इसको वाइकिंग शीप कहते हैं। इसकी खासियत ये है कि जब ये पैदा होता है तो ये काले रंग का होता है, जैसे कि आप काला डॉट देख रहे हैं, जब जैसे जैसे वक्त गुजरता है ये बड़े होते जाते हैं, और इनका ये काला जो ऊन है ये ग्रे में बदल जाता है। यानी कि जब ये थोड़े बड़े होते हैं तो इनके पैर सफ़ेद होते हैं और मुँह काला होता है, फिर ऐसा ऐसा इनका मुँह भी सफ़ेद हो जाता है, और जिसम के जो बाल हैं वो थोड़े ग्रेस हो जाते हैं। और ये एक बड़ा मेंढा मेरे सामने है, तो ये भेड़ इसको वाइकिंग शीप कहते हैं इंग्लिश में। इसकी खासियत ये है कि ये जब पैदा होती है तो इसका ऊन काले रंग का होता है, और वक्त के साथ साथ वो सफ़ेद में बदल जाता है। If you like this